वही आचार संहिता लागू होने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में 450 आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्र में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए मतदान मित्र मौजूद रहेंगे। निर्देशानुसार प्रत्येक मतदान केंद्र में हम जो है मतदान सहायता बूथ यानी कि वोटर असिस्टेंस बूथ भी हम सेटअप करेंगे। राज्य में लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो है 10-10 संगवारी या पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित ऐसे मतदान केंद्र भी रहेंगे। तो राज्य में कुल ऐसे मतदान केंद्र 900 होंगे। इसके साथ ही 450 आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे जहाँ पर हम लोगों ने व्यवस्था की है कि जो पूरा वोटिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी डिलाइटफुल, काफ़ी सुगम और सहज रहे सभी मतदाताओं के लिए।